क्या कहेंगे छोटे बच्चों के लिए जो मैचेस हो रहे हैं और बच्चों को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है? देखें, असल में ये एज है क्रिकेटर्स बनने की। इस एज में जो आपकी बेसिक्स जो हैं वो अगर वो अच्छी हो जाएं और आपको अच्छी क्रिकेट खेलने को मिले, तो आई थिंक इस एज में जो प्लेयर जो है उसकी बेसिक्स अच्छी हो जाती हैं वो उसको आगे जाके बहुत फ़ायदा देती हैं। तो ये एज है जहाँ पे, और जिन मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन लोगों ने भी इस एज ऑफ ग्रुप का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इन बच्चों को चांस मिल रहा है खेलने का। आई थिंक ये जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन यंग बच्चों के लिए। तो फीफा ये बताएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाथ वेज प्रोग्राम शुरू किया है, PGL भी शुरू करे अंडर 19 के लिए। पाथ वेज प्रोग्राम के अंदर कम उम्र के बच्चे आते हैं, तो वो प्रोग्राम को कैसा देख रहे हैं? और ये जो बच्चे जितने टैलेंटेड हैं, क्या समझते हैं कि इनमें से भी कुछ बच्चे उन पाथवेज प्रोग्राम में जाने चाहिए? बिल्कुल जी, मैं वो जो पाथवेज जो उन्होंने अनाउंस किए हैं 100, उसमें मैं भी उस टीम का हिस्सा था जिसमें हम लोगों ने वो सिलेक्शन की थी और वो अनाउंस किए हैं वो बच्चे। और उसके मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त PCB का इनिशिएटिव है। और उस चीज़ को देखते हुए आप देखें कि जितने भी अभी यंगस्टर्स जैसे नसीम शाह देख लें या शाहीन, ये उसी अंडर 19 क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो उनको एक मतलब उनकी बेसिक्स और ये सारी चीज़ें उनकी वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, PCB की एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इस चीज़ को लेके मैं समझता हूँ कि आगे भी प्लेयर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, अच्छे प्लेयर्स। ये जो टैलेंट है इसके अंदर, इनमें देख रहे हैं आप कि ये बच्चे भी जा सकते हैं, उसमें कंसीडर हो सकते हैं? बिल्कुल जी, इसमें कुछ बच्चे हैं वो जो मैं समझता हूँ जिनको मैंने पहले भी देख चुका हूँ क्लब क्रिकेट में, वो बहुत अच्छे हैं और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह के टूर्नामेंट्स खेल के और वो आगे जा सकते हैं PCB के पास। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? कल की देखा कि टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर फिर नहीं परफॉर्म कर पाया। 6 मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की सीरीज है, वर्ल्ड कप है, तो क्या ऐसी परफॉर्मेंस में वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं? या अगले मैचेस में क्या कहेंगे कि मिडिल ऑर्डर को चेंजिंग करनी चाहिए या इन्हीं के साथ जाना चाहिए? देखें, मैं समझता हूं कि जिस तरह से कल पाकिस्तान को स्टार्ट मिला रिजवान और बाबर ने जिस तरह से अपना इनिंग्स बिल्ड की दोनों ने, पाकिस्तान ने कम, मेरा ख्याल है कि मिनिमम 30 रन शॉर्ट था। और उस चीज़ को जो है देखें दूसरी टीम्स में और हमारी टीम जो अभी जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो एंड वाले ओवर्स जो हैं उसमें वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रही जिस तरह से उसे करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम लोग मिसिंग कर रहे हैं आई थिंक वो पार्ट है फील्डिंग का, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर आप किसी भी प्लेयर को, अपने मेन प्लेयर को आप एक चांस दे देते हैं, जैसे आप शारजा में देखा कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब आसिफ का कैच ड्रॉप हुआ तो वो मैच ही ले गया। तो आई थिंक फील्डिंग बहुत ही एक अहम फैक्टर है T20 क्रिकेट में। अगर आप इस तरह से प्लेयर्स को चांस देंगे तो आई थिंक आपको वापस मैच में आने का मुश्किल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हो रही हैं आई थिंक आने वाले मैचेस में या वर्ल्ड कप में भी। ये जो आपके एरियाज़ हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो फील्डिंग है, और प्लस जैसा आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर आपकी बैटिंग है, आई थिंक इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और डेफिनेटली जो भी आपके थिंक टैंक हैं या मैनेजमेंट है वो इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखे हुए हैं। टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दुनिया की क्रिकेट देखें, मॉडर्न क्रिकेट, कल ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ तो 200 स्कोर हुआ, 208 चेज भी हुआ, तो हमारी वही क्रिकेट है 160-150 वाली। तो क्या हमें मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना नहीं चाहिए? ओपनर जो है वो भी परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन उस पेस के साथ, उस स्ट्राइक रेट से परफॉर्म नहीं कर रहे, मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए? देखें बिल्कुल, अगर आप ये देखें कल चाहे वो लो स्कोरिंग था लेकिन इंग्लैंड ने भी वो चेज, उनकी विकेट्स हालांकि इतनी उनकी विकेट्स इन हैंड थी, फिर उसके बावजूद उन्होंने लास्ट ओवर में जाके, अच्छा आपको थोड़ा सा ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आपको विकेट रीडिंग होनी चाहिए कि विकेट्स इस विकेट पे, हर विकेट पे 200 रन्स नहीं बन सकते। जैसे शारजा वाली विकेट थी वहाँ पे भी लो स्कोरिंग गेम्स चल रही थी, तो आई थिंक ये चीज़ विकेट रीड करना ये भी एक आर्ट है। और इस चीज़ को देखते हुए कि आप जब 150 वाली विकेट पे 200 करने जाएंगे ना तो आप 110 पे आउट हो जाएंगे। तो आपको एज अ बैट्समैन मैं समझता हूँ कि विकेट रीड करना भी ज़रूर आना चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जहाँ पे 200 रन होने हैं वहाँ पे अगर आप 160 करेंगे तो आप वो चेजेबल है, वो इजीली दूसरी टीम जो है उसको चेज कर लेगी। आई थिंक ये चीज़ जो है ये इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान को। थैंक यू।